वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर YouTube चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग UPSC प्री 2024 के लिए सी सेट मैथ्स के एक महत्वपूर्ण बिंदु सम ऑफ फैक्टर्स का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने नंबर ऑफ फैक्टर का डिस्कशन कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा। दोस्तों, यह क्लास UPSC के अतिरिक्त सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम या वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है, जहां पर मैथ्स देखने के लिए मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपने क्लास को। देखिए, यहाँ पर टीम के पेड कोर्सेज से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक नंबर दिया गया 8564880530, यहाँ पर दूसरा नंबर है 9696066089, तीसरा नंबर यहाँ पर दिया गया 7523864455। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है 7838692618, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, जिसकी सहायता से आप टीम के पेड कोर्सेज से भी आसानी से जुड़ जाएंगे और साथ ही साथ जितने फ्री इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उनका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, आज स्पेशल हम लोग बात करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स की। सम ऑफ फैक्टर्स होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं एक छोटे क्वेश्चन से। जैसे मान के चलिए, हमने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा यहाँ पे 40। अब पहले ये पूछा जाएगा, बताइए फैक्टर्स क्या होता है। तो फैक्टर्स आपने पिछले क्लास में सीख रखे हैं, ऐसे नंबर जो इस 40 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं उन्हें फैक्टर्स कहते हैं। जैसे 40 के केस में अगर देखा जाए तो एक इसका एक कम्प्लीट फैक्टर है, इसके बाद दो इसका फैक्टर है, चार इसका फैक्टर है, चार के बाद पाँच इसका फैक्टर है, आठ इसका फैक्टर है, 10 है, 20 है और खुद 40 है। देखिए, इतने इसके फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके टोटल 8 फैक्टर्स हैं। आप अगर फार्मूले से भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको 8 फैक्टर ही देखने के लिए मिलेंगे। अब इन सभी फैक्टर्स को अगर जोड़ दिया जाए, 40 और 20 60 और 10 70, 70 और इन दोनों को लेंगे तो 80 हो जाएगा और इन तीनों को लेंगे तो 90 हो जाएगा। तो जो 40 के फैक्टर्स हैं इसका सम जो आ रहा है ये 90 आ रहा है ना, इन सबको कैलकुलेट करने पर 90 आ रहा है। तो देखिए, अब यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर्स क्या हम बार बार ऐसे लिख करके जोड़ेंगे क्या? नहीं, ऐसे बार बार नहीं करना है। इसका एक बेसिक सा फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है चलिए हम लोग डिराइव करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, ताकि कभी भी सम ऑफ फैक्टर्स अगर एग्जाम में आए तो आप तुरंत सेकेंड भर के अंदर आप इसका आंसर आसानी से बता। तो दोस्तों, सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इससे पहले की क्लास जितने की गई है, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो चीजें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, उसी के बेसिस पर आप सम ऑफ फैक्टर क्लियर करेंगे। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं, चीजों को समझते हैं एक एक करके। देखिए, यहां पे सीधा एक क्वेश्चन लिखा गया 48 और इसमें बताना है कि इसके सम ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं उसका सम क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स को कंप्लीट फाइंड करना पड़ेगा। 48 को आप क्या करेंगे, आप 48 का फैक्टराइजेशन करेंगे जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं या फिर आप स्मार्ट अप्रोच से भी कर सकते हैं। बेसिक तरीका, जैसे देखिए यहाँ पर 48 लिखा है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 मिलेगा, है ना। इसके बाद फिर से 2 से करेंगे तो 12 मिलेगा, फिर 2 को यहाँ पर लाएंगे तो आपको 6 मिलेगा, फिर यहाँ पर लाएंगे तो 3 मिलेगा और यहाँ पर आप 3 से करेंगे तो 1 मिलेगा। ये इसका रहा बेसिक तरीका। आप स्मार्ट अप्रोच में इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका दिमाग ये कहना चाहिए 16 × 3, 16 × 3 = 48 होता है और 16 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और 3 को लिख सकते हैं 3 के पावर 1। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन में इतनी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी, इतनी चीज़ आपने कर ली, अब आपको सम निकालना है ना। तो देखिए, सम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 2 के पावर 4 जो आपने लिखा है ना, इस पावर को डिक्रीज करते चलेंगे और जीरो तक आएंगे। जीरो तक आएंगे मतलब ऐसे, 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 1 और प्लस 2 के पावर 0, ये एक ब्रैकेट में रहेगा और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा और दूसरे ब्रैकेट में 3 के पावर 1 और प्लस 3 के पावर 0। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 के पावर 4 की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 16, 2 के पावर 8 3 की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 8,
फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको 2 के पावर 2 की वैल्यू मिलेगी 4, प्लस 2 के पावर 1 की वैल्यू मिलेगी 2, और प्लस 2 के पावर 0 की वैल्यू मिलेगी 1। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 बनती है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर इनटू है, अब 3 के पावर 1 की वैल्यू है 3 और 3 के पावर 0 की वैल्यू है 1, यहाँ पर प्लस रहेगा दोस्तों, और ओके यहाँ पर प्लस कर लेते, ये प्लस रहेगा। अब इसके बाद कैलकुलेट करना है इसको, देखिए 16 + 8 = 24 है ना, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31, 31 इंटू यहाँ पर आएगा 3 + 1 = 4 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 4, 1, 2, 1, 24 इसका आंसर बनेगा। तो देखिए आपने ये इसके बेसिक इसके स्मॉल डिफरेंसेस के फार्मूले से आपने कैलकुलेट किया। अब अगर सामान्य बेसिक तरीके से कैलकुलेट करना होता तो पहले आप इसके फैक्टर्स को लिखते, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से किसी काम का नहीं होगा। जैसे देखिए 48 के फैक्टर्स की अगर बात करेंगे तो 48 देखिए 1 है ना, 1 के बाद 2 से भी 48 कटेगा, 3 से भी 48 कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी 48 कटेगा, 6 के बाद 8 से 48 कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, फिर 16 से 48 कटेगा है ना, 16 के बाद अगर और आगे बढ़ेंगे है ना तो 16 के बाद ये 24 से कटेगा है ना, 24 के बाद फिर ये 48 खुद 48 से कटेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर इसके फैक्टर्स की बात करेंगे तो ये टोटल 10 फैक्टर्स हैं। आप फार्मूले के माध्यम से भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स 10 मिलेंगे। अब इन सभी नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 124 मिलेगा, आप इसको ऐड करके चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है, आप आसानी से निकाल लेंगे। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर डेटा दिया है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स है ना। देखिए यहाँ पर हम लोग एक एक को ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, अभी लास्ट में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तगड़ी है ना। तो ये आपको क्लियर हो चुका है कि सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालना है, आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। अब देखिए सम ऑफ ऑड फैक्टर्स की बात करेगा, यहां पे मान के चलिए हम 48 को ही रखते हैं। 48 में हमने बोला कि हमें सम ऑफ ऑड फैक्टर्स बताइए, तो आपको पता है क्या करना है, उन फैक्टर्स को सेलेक्ट करना है जो ऑड होगा, इवन वाले को छोड़ देना है। इवन की बात करेंगे तो जो दो है ना, मतलब दो इवन दिखता है, प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ दो ऐसा है जो इवन है, तो यहां पर दो को कंप्लीट छोड़ देंगे। देखिए 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 के पावर 4 और गुणे 3 के पावर 1 इतना मिलेगा। अब देखिए इतना मिलने के बाद क्या होगा, यहां पे ऑड की बात किया है तो 2 के पावर 4 को आप कंप्लीट छोड़ देंगे, इसको नहीं शामिल करेंगे। अब यहां पर लिखेंगे 3 के पावर 1 + 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी और 3 के पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी 4। मतलब 48 के जो ऑड फैक्टर्स है ना, अगर आप इनको सम करेंगे तो आपको मिलेगा 4। चलिए पीछे से हम लोग देख भी लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपने 48 के सभी फैक्टर्स को लिखा है, तो देखिए ऑड की बात करेंगे तो 1 और यहाँ पर 3, सिर्फ 2 फैक्टर ऐसे हैं जो ऑड हैं, बाकी सब इवन है, तो यहाँ से आपको 4 मिल गया। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, जब भी ऑड फैक्टर्स की बात करेगा, ऑड फैक्टर्स के सम की बात करेगा, तो 2 का जो फैक्टराइजेशन होता है, 2 का जो पावर होता है, जितना भी पावर रहेगा 2 को हम लोग स्किप कर देंगे, 2 को यहां पर शामिल नहीं करेंगे। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। अब यहां पर दिया है सम ऑफ इवन फैक्टर्स। अब सम ऑफ इवन फैक्टर्स में क्या किया जाना है, चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ऑड फैक्टर्स को तो हमने अच्छे से समझ लिया है कि ऑड फैक्टर कैसे निकाला जाना है और टोटल फैक्टर कैसे निकाला जाना है, हमने इसको भी समझ लिया है। तो अब थोड़ा सा यह भी समझ लेते हैं कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स की कहानी क्या होगी, कैसे बनेगी सम ऑफ इवन फैक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, आपको चीज़ों को ध्यान से समझना है। देखिए यही 48 अगर ऐसे रहा होता ना और पूछता सम ऑफ इवन फैक्टर, तो जो आप लास्ट में 2 के पावर 0 लिख रहे थे ना, 2 के पावर 0, इसको नहीं लिखेंगे। बस इसको क्यों नहीं लिखेंगे, 2 के पावर 0 की वैल्यू होती है 1, एक एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसी भी ऑड नंबर से होगा तो ऑड ही आएगा, इसी वजह से 2 के पावर 0 को शामिल नहीं करते। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे 2 के पावर 4 और गुणे 3 के पावर 1। अब आपको इवन फैक्टर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस आपको सामान्य सा ये लिखना है 2 के पावर 4 + 2 के पावर 3 और प्लस 2 का स्क्वायर + 2 के पावर 1। लास्ट में जो आप 0 लिख रहे थे इसको नहीं लिखेंगे और यहाँ पर इनटू रहेगा 3 के पावर 1 और प्लस 3 के पावर 0। अब कैलकुलेट कीजिएगा इन सबको, यहाँ पर देखिए 16 और ये 8, क्योंकि ये कैलकुलेट होगा तो 16 आएगा प्लस यहाँ पर 8 आएगा प्लस 4 और प्लस में 2। देखिए 16 और 4 20, 8 और 2 10, ये पूरा आपको मिलेगा 30 है ना, और इनटू में 3 और 1 4, 30 चौका 120। देखिए आपने टोटल जो सम निकाला था 124 था,
ऑड का जो सम था, ऑड का सम 4 था, तो टोटल में से ऑड को घटा देंगे तो बचेगा इवन, इवन का सम 120 मिलेगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी टोटल फैक्टर्स का सम पूछे, ऑड फैक्टर्स का सम पूछे या इवन फैक्टर्स का सम पूछे, आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर देखें, यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको तीनों डेटा फाइंड आउट करने हैं, सम ऑफ फैक्टर्स है ना, मतलब टोटल की बात की जा रही है, इसके बाद इवन फैक्टर्स की बात की जा रही है और आपको ऑड फैक्टर्स भी निकालने हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखा हुआ है, अगर करके नहीं लिखा होता तो पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते। अगर यहां पर हम लोग सीधा सीधा निकाले सम ऑफ फैक्टर्स तो आपको कुछ नहीं करने, 2 का क्यूब है ना, आप लिखेंगे 2 के पावर 3 या क्यूब बोल लीजिए, फिर 2 का स्क्वायर है ना, या 2 के पावर 2, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 0, इसको लिखेंगे इतने डेटा को। इसके बाद देखिए आगे क्या करना है आपको, आगे 3 के साथ यही करना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 के पावर 1 और प्लस 3 के पावर 0। इसी के बाद आपको फिर क्या करना है, इनटू का साइन और 5 के साथ लिखना है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 के पावर 1 और प्लस 5 के पावर 0, इन सबको कैलकुलेट करना है। 2 के पावर 3 का मतलब है 8, ठीक, प्लस 2 के पावर 2 का मतलब है 4, और प्लस 2 और प्लस 1, ये 2 की बात हो गई। अब इसके बाद हम 3 की बात करेंगे, तो 3 तिरिक का 9, यहाँ पर प्लस 3 और प्लस 1, ये हो गया। और 5 की बात करेंगे तो 5 बचे 25 प्लस 5 और प्लस 1। देखिए अब ये पूरा कैलकुलेशन हो गया, 8 4 12, 12 और 2 14 1 15, गुड़े 9 1 10 3 13, और गुड़े 25 5 30 और 1 31, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, सम ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा। तो देखिए जब पेपर में क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो कुछ विकल्प एलिमिनेट हो जाएंगे और उसके बाद आप अनुमान लगाकर आंसर टिक कर लेंगे, ठीक। देखिए टोटल की बात होगी, अगर यहीं पर बात करता सम ऑफ ऑड फैक्टर, सिर्फ ऑड की बात करता, तो आप इस 2 को पूरा का पूरा छोड़ देते, इस पूरे को छोड़ देते, यहां पर सिर्फ कितना लिखते, 3 को लिखते और 5 को लिखते, मतलब 13 गुणे 31, ये सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकल के आ जाता। और यहीं पर अगर सम ऑफ इवन फैक्टर की बात करता तो 2 के पावर 0 मतलब 1 को छोड़ देते, जो यहाँ पे 15 मिला ये 14 मिलता, तो 14 गुणे 31 और गुणे 13, ये इसका सही उत्तर बनता। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से टैकल कर लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं बनेगी। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया 19600, यहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं 19600, इसमें आपको बताना है टोटल, टोटल का मतलब सम ऑफ फैक्टर्स, इवन सब का सम होना चाहिए और ऑड का भी सम होना चाहिए। देखिए 196600, अब ये देख करके आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना, तो आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें आनी चाहिए, 196 गुणे 100, 196 गुणे 100 जैसे ही आपके दिमाग में चलेगा ना, तो यहाँ पे 100 तो आप तुरंत देख लेंगे, 100 तुरंत आपको दिखेगा, 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, 196 मतलब 196 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। देखिए अगर आप इसका फैक्टराइजेशन भी करेंगे तो ये काफ़ी आसान होने वाला है, आपको कोई समस्या नहीं बनेगा, या फिर आप इसको ये देख सकते हैं कि 90 यहाँ पे 8 के आसपास दिखेगा, देखिए 98 का डबल है ना, जैसे ही आपको ये 98 का डबल दिखेगा है ना, तो 98 इंटू 2 आपको ये दिख रहा है ना, अब 98 को अगर आप देखेंगे तो ये दिखेगा आपको 49 गुणे 2 है ना, ऐसा दिख रहा है ना, 49 दूना 98 है ना, अब ये क्या होगा, ये आप आसानी से तोड़ लेंगे, 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना है कैसे, यहाँ से भी समझिए, इतना बड़ा सा क्वेश्चन था, आपने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को इतने आसानी से कर लिया, नहीं तो आप यहाँ से अगर लिख करके करते तो काफ़ी समय आपका वेस्ट होता। देखिए 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2, तो यहाँ पर टोटल हो गया 2 के पावर 4 है ना, और फिर यहाँ पर लिखेंगे इंटू 5 के पावर 2 और इंटू 7 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैं लैंग्वेज कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश रख रहा हूँ जानबूझकर, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। देखिए अब यहाँ पर इसके अगर सम ऑफ फैक्टर्स की बात करेंगे तो सम ऑफ फैक्टर्स निकालना काफ़ी आसान हो गया, अब सीधी सी बात है टोटल सम ऑफ फैक्टर्स की बात करेंगे तो लिखेंगे 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 के पावर 1 और प्लस 2 के पावर 0, ये 2 की बात होगी। अब 5 की बात करेंगे तो ऐसे आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 0, और 7 की बात करेंगे तो आप लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 7 के पावर 1 प्लस 7 के पावर 0। अब यहाँ पर इन सबको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है। देखिए 16 और 8 16 8 24 24 और 4 28 28 और 2 30 और 1 31, यहाँ पर टोटल 31 हो गया, इंटू देखिए 5 का स्क्वायर है 25 5 30 और 1 31, ये भी 31 है, और इंटू 7 का स्क्वायर 49 और 1 50 7 57,
31 का स्क्वायर होता है 961 जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल मिल जाएगा। इसका यूनिट डिजिट 7 रहेगा। अब आराम से आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर यहीं पे सिर्फ ऑड फैक्टर्स की बात करता तो आप सीधा 31 × 57 लिखते, है ना, और इवन फैक्टर्स की बात करता है तो जो 31 है ये 30 बन जाता। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। अब यहाँ पर देखिए 400 की बात की है। 400 में आपको सब कुछ बताना है कि सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होगा, सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा। 400 को देखते ही आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए 4 × 100, और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 100 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुड़े 5 का स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 के पावर 4 हो जाएगा, 2 के पावर 4 और गुड़े 2 के पावर 5, सॉरी माफ कीजिएगा 5 के पावर 2, है ना। अब देखिए 2 के पावर 4 आप तुरंत लिखेंगे, 2 के पावर 4 का मतलब है 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 1 और प्लस 2 के पावर 0। अच्छा अब ये बताओ ये चीज़ क्या बार बार आपको लिख करके चलना है क्या? बार बार नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि आप 1-2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग बताने लगेगा कि इतने पावर का जो सम होता है इतना होता है। अब 2 के पावर 4 आपने पीछे कई बार कैलकुलेट किया, इसका जो सम आता है यहाँ से टोटल 31 आता है। तो अब ये जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इसको 31 लिख लेंगे। जैसे ही 2 के पावर 4 दिखेगा आपका दिमाग तुरंत बताएगा कि टोटल की बात करेंगे तो 30 आएगा, इवन की बात 31 आएगा और इवन की बात करेंगे तो 30 आएगा। अब 5 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 5 के स्क्वायर प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 0, ये भी हमने अभी जस्ट पीछे कैलकुलेट किया था, यहाँ पर भी 31 आया था। तो आप 31 × 31 करेंगे 961 961, इसमें टोटल बनेगा इसका। अगर टोटल की बात करेगा तो 961 बनेगा। यहीं पर अगर सिर्फ ऑड की बात करता, इवन की बात नहीं करता तो आप इस पूरे को छोड़ देते, है ना, तो ऑड की बात होगा इसमें तो ऑड का आंसर बनेगा 31, और वहीं पर इवन की बात किया जाएगा तो ये जो आपने 31 लिखा है इसको स्किप करेंगे तो 30 बनेगा, 30 और गुणे में 31। 30 गुणे में 31 करना काफी आसान हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा देखिए यहां पर ये बन जाएगा 0, 3 और 9, है ना, ये 930 इसका उत्तर बन जाएगा। तो आसानी से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर, अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर दिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स। अब देखिए सम ऑफ फैक्टर्स के जितने क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने पूरा कैलकुलेट कर लिया। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स भी बहुत आसान होता है। जो नंबर होगा नंबर को लिखेंगे और टोटल फैक्टर अपॉन 2 इसको लिखेंगे। टोटल फैक्टर अपॉन 2 कहने का मतलब क्या, चलिए एक छोटे से क्वेश्चन से समझते हैं तो काफ़ी बेहतर क्लियर होगा। मान के चलिए यहाँ पर आपके सामने एक नंबर है 1800, ठीक। इसमें आपको बताना है कि इसके जितने भी फैक्टर्स है इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या आएगा, कुछ नहीं करना है। पहले 1800 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, आपका दिमाग तुरंत बताएगा 18 × 100, और 18 कहने का मतलब है 2 × 3 का स्क्वायर, ये बन गया, और 100 कहने का मतलब है 2 का स्क्वायर और गुड़े 5 का स्क्वायर। इसको सही से अगर आप अरेंज करेंगे तो मिलेगा 2 का क्यूब गुड़े 3 का स्क्वायर और गुड़े 5 का स्क्वायर, ठीक। इतनी चीज़ें आसानी से आपने सेट कर लिया। अब इसके टोटल फैक्टर्स की बात करेंगे तो जब इसके टोटल फैक्टर्स की बात करेंगे तो a प्लस 1 बी प्लस 1 और सी प्लस 1, यही कॉन्सेप्ट चलने वाला है। यहाँ पर ए की वैल्यू है 3 तो 3 और 1 4, V की वैल्यू है 2 तो 2 और 1 3, और C की वैल्यू है 2 तो 2 और 1 3, 3 × 9 = 36, है ना। यहाँ पे टोटल फैक्टर्स इसके कितने हो गए, 36 हो गए। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपको बताना है, कुछ नहीं करना है। नंबर क्या है, देखिए नंबर है 1800, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा लिखेंगे 1800 और इसके पावर पर क्या लगाएंगे, टोटल फैक्टर है 36 और बटे में 2 36 / 2 18 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1800 की पावर 18, ये इसका टोटल फैक्टर मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा। तो हाल फिलहाल ये इतना बड़ा कैलकुलेशन है कि पेपर में ये पावर के रूप में ही देगा, कभी भी इसको कैलकुलेट करके लिखने के लिए नहीं बोलेगा, या छोटे क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पर कैलकुलेशन के लिए कहा जाएगा। तो दोस्तों मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर भी आप आसानी से समझ चुके हैं। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ नया वर्जन दिया, 7200 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 40 से विभाज्य। देखिए आज की इस क्लास में हम लोग टोटल कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, अगले क्लास में क्वेश्चन की तगड़ी प्रैक्टिस होगी तो अब आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, 7200 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 40 से विभाज्य। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी बन जाए कि 40 से विभाज्य, 60 से विभाज्य, 80 से विभाज्य, जिस संख्या से विभाज्य होगा उसे हम लोग स्किप कर देंगे। स्किप करेंगे कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन से समझते हैं तो अच्छा क्लियर होगा। देखिए पहले 7200 के हम लोगों को 7200 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, दिमाग आपका तुरंत कहना चाहिए 72 × 100। 72 × 100 कहने का मतलब है 72 को आप क्या लिखेंगे, 9 8 72 होता है, तो 2 का क्यूब गुणे 3 का स्क्वायर, ये
72 आ गया। और 100 की बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, ये 7200 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया कुछ ही सेकंड में। तो देखिए इस तरीके को आपको फॉलो करना है, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 5 यहां पर आ गया, गुणे 3 का स्क्वायर और गुणे 5 का स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर देखिए अगर हमें क्या करना है, इसमें यह निकालना है ना कि उन फैक्टर्स को बताना है जो 40 से विभाज्य, तो 40 के प्राइम फैक्टर को लिखेंगे। अगर 40 का प्राइम फैक्टर लिखा जाएगा तो 40 को कुछ आप ऐसे लिखेंगे 2 का क्यूब और 5 के पावर 1। ठीक, इतना लिखने के बाद पता है क्या करना है, देखिए यहां पर ना 2 के पावर 5 है ना, और ये 2 का क्यूब है, तो 40 को निकालने के लिए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 के स्क्वायर मिलेगा। ठीक, देखिए 3 का स्क्वायर सेम टू सेम लिखना है, और 5 के पावर 2 है तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 5 के पावर 1 मिलेगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है अर्थात आप क्या करेंगे, देखिए पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 मिलेगा। ठीक, फिर यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 मिलेगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 मिलेगा, 3 3 9 और 2 18 ऐसे फैक्टर है ना जो 40 से विभाज्य होने वाले हैं। अब जैसे मान के चलिए यही अगर 40 से ना बोल करके 60 से बोला होता तब क्या करते, चलिए इसको अगले स्लाइड पर समझ लेते हैं। मान लीजिए ऐसे बोल दे कि ऐसे फैक्टर्स को बताइएगा जो 60 से विभाज्य, तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर 5, 2 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए 2 के पावर 5 गुड़े 3 का स्क्वायर गुड़े 5 का स्क्वायर, ये 7200 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। आपको वो निकालना है जो 60 से विभाज्य, तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 का स्क्वायर है ना, फिर इसके बाद 3 और गुड़े 5, ये पावर 1 रहेगा। अब देखिए 60 हो गया, ये 7200 हो गया, अब इसमें से 60 वाले को माइनस करना है, 2 के पावर 5 में से 2 के पावर 2 को माइनस करेंगे तो 2 का क्यूब मिलेगा, गुड़े 3 के पावर 3 स्क्वायर में से 3 के पावर 1 माइनस करेंगे तो 3 के पावर 1 गुड़े 5 के पावर 1। अब यहाँ पर देखिए 3 और 1 4, फिर 1 और 1 2 और फिर 1 और 1 2, तो 2 2 4 4 16, तो 16 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो 60 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। तो दोस्तों ये हम लोगों के सम ऑफ फैक्टर्स की क्लास रही, इसमें हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट को सीखा है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट अभी बच रहे हैं, ये क्लास काफ़ी लेंदी ना हो इसलिए इसको यहाँ पे क्विट करते हैं, मतलब स्टॉप करते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग बचे हुए कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे और साथ में PY मतलब जितने भी PYQs हैं पेपर में आए हुए उनका डिस्कशन करेंगे। अगली क्लास दोस्तों बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, आप उसको देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी भी 50% से अधिक व्यूअर्स ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ना यार, काहे नहीं करते हो। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। और अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं PCS का तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।